मैं धान का कटोरा श्री गंगानगर बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में स्थित जिला हूँ। मेरे जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, इसलिए मुझे धान का कटोरा और राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। मेरा प्राचीन नाम रामनगर था। 1927 में गंग नहर के उद्घाटन के बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने मेरा नाम बदलकर गंगानगर कर दिया। मेरे यहाँ चलने वाली गंग नहर को मेरे जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। मुझे राजस्थान का अन्नागार, बागानों की भूमि और आंधियों का शहर आदि उपनामों से जाना जाता है। मेरा जिला बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। मैं गंगानगर, अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं 10,978 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हूं। मेरा कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। मैं पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा और पाकिस्तान से 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हूं। मैं गंगानगर रेडक्लिफ लाइन पर स्थित एक छोटा जिला हूं। 30 मार्च 1949 को मुझे जिला घोषित किया गया था। मैं गंगानगर अब आपको दिए चलता हूं मेरे प्रमुख दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल की खूबसूरती से परिचित करवाने। सबसे पहले चलते हैं हिंदूमल कोट बॉर्डर। यह बॉर्डर मेरे शहर में स्थित वो बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। मेरे इस क्षेत्र का नाम बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में उनके नाम पर हिंदूमल कोट रखा गया। यह बॉर्डर मेरे शहर के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यह सीमा मेरे शहर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आम जनता के लिए सुबह 10 से शाम 5:30 के बीच खोली जाती है। अगर आप मेरे शहर की सैर करना चाहते हैं तो आपको एक बार मेरे हिंदूमल कोट बॉर्डर की सैर करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ प्यार के नगमे लैला मजनू की मजार। यह मजार मेरे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो मेरे अनूपगढ़ शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर बिंजौर गांव में स्थित है। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि इस मकबरे का संबंध प्रेमी लैला और मजनू से है। बताया जाता है कि लैला और मजनू सिंध से ताल्लुक रखते थे, जो लैला के माता पिता और उसके भाई से बचने के लिए यहाँ बस गए थे। लेकिन ये सभी लैला मजनू के प्रेम के खिलाफ थे। लेकिन जब लैला मजनू की मौत हो गई तो उन दोनों को इस जगह पर दफना दिया गया था, जिसे आज लैला मजनू की मजार के रूप में जाना जाता है। लैला मजनू का मकबरा आज शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गया है और दूर दूर से प्रेमी जुड़े यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। लैला और मजनू के प्यार के उत्सव के लिए यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर नवविवाहित जोड़े शामिल होते हैं। हालांकि मैं यहाँ के मेले और मेरे द्वारा बताई गई बातों का मैं कम ही विश्वास करता हूँ। मेरे इतिहास से जुड़ी होने के कारण मैंने स्थान को आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि मेरा कर्तव्य था। ऐसे तो दुनिया में अपने देश के लिए कईयों ने अपना बलिदान दिया, उनका पूजन क्यों नहीं करते? दर्शकों, आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपको लिए चलता हूँ ब्रोर गांव, जो मेरे अनूपगढ़ राम सिंहपुर मार्ग पर स्थित है। आपको बता दूं कि यह गांव सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस गांव की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मेरे स्थान से मिले मन के मेरी सभ्यता को सीधा अफगान और मिस्र की सभ्यताओं से जोड़ते हैं। इस गांव के आसपास के क्षेत्र में कई कलाकृतियां, कंकाल के अवशेष और इमारतें मिली हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि उस समय की अवधि में मेरा क्षेत्र जीवन से संपन्न था। अब हम चलते हैं गौरी शंकर मंदिर। मेरे जिले में स्थित गौरी शंकर मंदिर एक हिंदू धार्मिक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर साल भर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को इसका मुख्य आकर्षण माना जाता है। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण सामग्री के रूप में सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया था। अब चलते हैं मेरे अनूपगढ़ के किले में। अनूपगढ़ शहर में पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। आपको बता दें कि वर्तमान में अनूपगढ़ किला खंडहर हो चुका है। भले ही आज किला खंडहर है, लेकिन अपने आने वाले दिनों में यह एक बेहद भव्य संरचना हुआ करता था, जिसने भाटी राजपूतों को खाड़ी में रहने में मदद की। अनूपगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1689 में मुगल गवर्नर द्वारा किया गया था, जो अनूपगढ़ को मुगल शासन के तहत
रखना चाहते थे। अगर आप मेरे जिले की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको निवेदन करूंगा, एक बार जरूर अनूपगढ़ किला देखने के लिए जाना चाहिए। यदि आप इस किले के अंदर जाएंगे तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इस किले का हाल तो आप अपनी आंखों से देख ही पा रहे हैं, जो काफी डरावना है। अब चलते हैं खेजड़ी हनुमान मंदिर। यह मंदिर मेरे जिले के सरकारी कॉलेज सूरतगढ़ के पास स्थित है। यह मेरे जिले के पर्यटकों के आकर्षण में से एक है। हर मंगलवार और शनिवार सप्ताह के व्यस्त दिन है। इन दिनों यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हनुमान जयंती पर सामुदायिक रसोई का आयोजन किया जाता है। हनुमान खेजड़ी मंदिर रेत के टीलों पर स्थित होने के कारण सेल्फी जोन के लिए भी जाना जाता है। आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ पर सेल्फी लेकर अपनी यादों को कैद कर सकते हैं। मेरे पर्यटक पास के रेत के टीलों पर कुछ समय बिताते हैं। यह एक भव्य मंदिर होने के साथ साथ मेरे सूरतगढ़ शहर को ऊंचाई से देखने को मौका मिलता है। इसके अलावा शानदार बगीचे का आनंद भी आप पा सकते हैं। मेरे जिले के सूरतगढ़ में बाबा रामदेव की एक 300 साल पुराना मंदिर है। श्रद्धालु इस मंदिर को जाल वाले रामदेव जी का मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में एक जाल का पेड़ लगा हुआ है जिसकी जड़ें खोखली हो गई हैं, लेकिन इस पेड़ में आज भी हरे पत्ते आते हैं। यही नहीं, इन पत्तों को शरीर पर लगाने से दांत खाज और घाव तक भर जाते हैं। अब आपके लिए मैं लिए चलता हूँ मेरे सिख धर्म के बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जो मेरे जिले का एक प्रमुख स्थल है, जिसको एक महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिए बनाया गया था। राय सिंह नगर तहसील के डाबला गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर करनीजी नहर के किनारे पर स्थित है शहीद नगर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। इस गुरुद्वारे का इतिहास 17वीं शताब्दी में मुगल काल और संघर्ष से संबंधित है। 1731 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर दौलत लूटने के बाद पंजाब से होते हुए अफगानिस्तान लौटने के दौरान मेरे यहाँ के सिखों के ऊपर जुर्म किए। जुर्म बढ़ने पर सन 1740 में स्थान पर सिखों के एक जत्थे ने जत्थेदार बूढ़ा सिंह जत्थेदारी मंडेरा डेरा लगाया था। जत्थेदार बूढ़ा सिंह के नाम पर स्थान का नाम बूढ़ा जोहड़ रखा गया। शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब बूढ़ा जोहड़ की नींव सन 1953 में संत फतेह सिंह द्वारा रखी गई। कुछ कच्चे मकान और पानी की डिग्गी 1954 में बनाई गई। 27 फरवरी 1956 को गुरुद्वारा साहिब की पक्की इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मैं श्रीगंगानगर एक प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म स्थान होने का गौरव भी रखता हूँ, जिन्होंने देश का नाम प्रसिद्ध किया है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिसमें सबसे पहला नाम है कैप्टन अवतार सिंह चीमा और दूसरा आता है जगजीत सिंह का। कैप्टन अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। वहीं गजल गायक जगजीत सिंह ने अपनी गजलों से बॉलीवुड और दुनिया के लोगों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बनाई थी। मेरा सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे कि प्राचीन काल की वैदिक सरस्वती नदी कहा जाता है। मैं राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, इसलिए मेरे जिले में सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी आती हैं, और मैं राजस्थान का एकमात्र जिला हूँ जिसमें सबसे ज्यादा गांव है। मेरे इन गांव में खेती और पशु पालन किया जाता है और नाली नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। कहते कि इन भेड़ों से सबसे ज्यादा ऊन निकलती है। उत्तरी राजस्थान में बसा मेरा है लंबा चौड़ा जिला सरसों, कपास, बाजरा, गन्ना, चना और नारंगी जैसे फलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेरे गजसिंहपुर कस्बे में कृषि के आधुनिक औजार बनाए जाते हैं, जो कि पूरे राजस्थान में भेजे जाते हैं, तथा एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक कृषि मंडी मेरे जैतसर कस्बे में स्थित है। किसी समय मेरा यह क्षेत्र सूखा बंजर था, जिसे मेरे महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से चमन बनाया गया। उन्होंने शहर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अधिक पानी लाने के लिए गंग कैनाल का निर्माण करवाया। ये मेरे इन्हीं राजा की बदौलत है कि आप मुझे हरा भरा देख पा रहे हैं। मेरे जिले में भाखड़ा नांगल बांध, घग्गर नदी, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से जलापूर्ति बढ़ी, जिसे देखते हुए मेरे जिले में व्यापारिक मेलों और मंडियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसमें कपड़ा मिल, चीनी मिल, तेल मिल शामिल हैं, जिन्हें मेरी रीढ़ की हड्डी और अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अब मैं गंगानगर आपको मेरे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराता हूँ। मेरी सूरतगढ़ तहसील के ठुकराना गांव में स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट और सबसे बड़ा लिग्नाइट आधारित बिजली घर है, जिसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है।
जो 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। मैं राजस्थान का सबसे ज्यादा सिंचित जिला हूँ, जिसमें 80% सिंचाई नहरों से की जाती है। यहाँ ट्यूबवेलों की संख्या काफी कम है। राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब भी मेरे ही जिले में है। राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी मेरे ही जिले में है। मेरे यहाँ एक वैदिक कन्या गुरुकुल ट्रस्ट फतू भी है, जो बीकानेर संभाग का पहला कन्या गुरुकुल है, जिसके संस्थापक पूज्य स्वामी सुखानंद जी महाराज हैं, जो भी मेरा जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाले जिले का गौरव भी मुझे प्राप्त है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी मेरे ही जिले में निवास करती है। अगर आप मेरी सैर करने की सोच रहे हैं तो मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 469 किलोमीटर, भारत की राजधानी दिल्ली से 407 किलोमीटर, जोधपुर से 500 किलोमीटर, अजमेर से 498 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से 738 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूँ। आपको बता दूं कि मेरी यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दी का है। इसमें आप नवंबर से फरवरी तक कभी भी आ सकते हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन और हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज द्वारा मेरे शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख है, जो मेरे शहर से 271 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप दिल्ली, भटिंडा, रेवाड़ी, हरिद्वार और नांदेड़ सहित अन्य प्रमुख शहरों से आसानी से ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं। और आप बस से आते हैं तो मैं लगभग हर शहर से सड़क मार्ग से जुड़ा हूं। आप कहीं से भी आ सकते हैं। आप मेरे किस स्थान या व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित हुए हैं और आप मुझसे मिलने कब आ रहे हैं, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। मैं गंगानगर आपको आमंत्रित करता हूं और आपको आने का न्योता देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।